हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो मेगा स्पोरोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, मेगा और आपका स्पोर्स। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो ये दो शब्द हो गए आपके। मेगा स्पोर एक है, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? हस्ता क्या होता है जेनेसिस का मतलब? फॉर्मेशन फॉर्मेशन। सो मैं कह सकता हूँ मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सो हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे। एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, इज कॉल्ड मेगा स्पोरो जेनेसिस। यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुई, और आपका क्या बन गया, मेगा स्पोर बन जाएगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा। और हम लोग मियोसिस में पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं म्यूजिक रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। में? रिडक्शनल डिवीजन होती है, और एक अगर हम बात करते हैं म्यूजिक में, सो अगर कितने उसका डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, क्यों? यस सेल से कितने सेल बनने हैं? चार बनने थे ना, मियोसिस भूल गए आप? यस सर। हाँ, और प्लोइडी क्या हो जाती है मियोसिस में? हाफ हो जाती है। मतलब ये अगर एमएमसी है, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल है, ये डिप्लोइड है, तो मियोसिस के बाद क्या बने आपके, कितने माइट? हैप्लॉयड हाँ ठीक है, यहाँ पर आपके क्या बने होंगे, तो यहाँ पर बने होंगे मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक, क्या बने, मेगा स्पोर टेट्राड। टेट्राड मेगा स्पोर टेट्राड का मतलब कितने मेगा स्पोर हो गए? चार मेगा स्पोर हो गए, फोर मेगा स्पोर। और इनकी प्लोइडी क्या रहेगी मेगा स्पोर की? हैप्लोइड हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन, हम लोग कर रहे हैं मियोसिस। और इन चार में से हम बात करते हैं, तो इनमें से थ्री क्या हो जाएंगे आपके, तीन क्या हो जाएंगे, ये डीजेनरेट ठीक है, और एक हो जाएगा आपका फंक्शनल। करेक्ट, यस और ये फंक्शनल वाला आगे चले क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नो सर। तो अब हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस कर लिया है, अब स्टार्ट करेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। कहीं भी आपको ऐसा लगता है ना राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो उस समय आप मेरे को बता देगा ना। ठीक यस सर। है, मेगा गैमेटो जेनेसिस, देखो इसको समझना है तो इसके वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सो मेगा गैमेटोजेनेसिस है क्या, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अभी पहले प्रोसेस में मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास है एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनना है आपका, मेगा स्पोर बताया था मैंने पहले प्रोसेस में। अब हम क्या करेंगे, हम इस मेगा स्पोर से कि क्या बनाएंगे, गेम आप कह सकते हो एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, या फिर एम्ब्रियो सैक कह दो, या फिर आप कह सकते हो गैमेटोफाइट बनाएंगे।
चॉइस आपकी है, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, ऊपर वाला मेगा स्पोरो जेनेसिस और नीचे वाला। बहुत मेगा गैमेटोजेनेसिस। अच्छे, होशियार लोग आप लोग हैं, चीजें पकड़ लेते हो फटाफट। तो क्या मुझे अब इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है या आप खुद भी लिख सकते हो? चलो मैं डिक्टेट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? डिक्टेट करूँ या लिख दूँ? सर डिक्टेट कर दीजिए। चलो लिख ही देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, या फीमेल गैमेट तो नहीं, गैमेटोफाइट कहना चाहिए तो ज्यादा सही, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब किसकी बात हो रही है, एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है। फ्रॉम मेगा स्पोर, फ्रॉम मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है? सो अगेन एक बार फिर से, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ पर? नो सर। ठीक है, तो चलो इसे हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। मान लो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एक मेगा स्पोर, ठीक है? वो हमें मेगा स्पोर से क्या बनाना है, एम्ब्रियो सेक। कौन सा प्रोसेस होगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा। अब देखो कैसा होगा, ये मेगा स्पोर है, इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है? इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, अब माइटोटिक डिवीजन होगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा, टू न्यूक्लिएटेड स्टेज में चेंज हो जाएगा, फिर से इसमें माइटोसिस होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फोर में फोर में, ठीक है? अगेन इसमें माइटोसिस होगा, एट में 8 में। क्या मैंने सही बनाया है आपको डॉट्स क्लियर, क्योंकि सर। डॉट्स आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, यस सर। देख लो 8 ही लग रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं लग रहे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पर सेकंड माइटोटिक डिवीजन, और यहां पर थर्ड माइटोटिक डिवीजन। और थर्ड माइटोटिक डिवीजन में हमें कितने न्यूक्लियेटेड कंडीशन मिल रही है, फोर न्यूक्लियेटेड अच्छा थर्ड नहीं, के एट एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन। अभी मैं आपको इससे आया कि काफी सारी चीजें रिलेट करने वाला हूँ, ठीक है? और सेकंड के बाद फोर और यहाँ पर टू, अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैमेटोफाइट में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटोफाइट में। और इसमें किस किस चीज का फॉर्मेशन होगा, डायग्राम को सही से बनाना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आज पर यस तो यहाँ पर क्या मिल रहे हैं हमें, ऊपर की तरफ थ्री एंटी पोडल सेल्स कितने एंटीपोडल सेल है, यहाँ पर थ्री एंटीपोडल सेल, थ्री ठीक है?
और नीचे की तरफ आपको क्या देखने मिलेंगे, दो सिनर्जिक सेल देखने मिलेंगे, कौन से सेल? दो सिनर्जिक और एक एग। ये ऊपर वाला हो गया आपका एग और ये हो गया आपका सेंट्रल सेल, सेल। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, पोलर न्यूक्लियर। तो यहां तक समझ आ रहा है आपको? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। और ये हमने क्या बनाया है? एम्ब्रियो सर। एम्ब्रियो सर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपके जो पेपर में आते हैं वो हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेल गिनते हैं, कितने सेल होंगे आप बताना, मेरे साथ काउंट करना है आपको, ठीक है, घटकर नहीं बताना। एक सेल हो गया, दो सेल हो गए, और ये कौन सा सेल है? तीन। तो थ्री सेल तो मेरे एंटीपोडल हैं, ठीक है, और मेरे सिनर्जिड्स कितने हैं? सिनर्जिड कितने? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टू सिनर्जिड हो गए। एक हो गया मेरे पास एक्सेल, क्लियर, एक एक्सेल है। एक मेरे पास सेंट्रल सेल है, एक क्या है मेरे पास? सेंट्रल सेंट्रल, ठीक है। अब मेरे पास ये है, अब मैं इनका जरा टोटल करूंगा तो कितना आएगा? थ्री प्लस टू क्या फाइव? फाइव। ओके, पॉइंट फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन। हाँ मैं ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, सेवन। तो हमारे पास कितने सेल हैं? सेवन। और देखो मैंने आपको कैलकुलेशन करनी सिखा दी है ना, एडिशन कैसे करते हैं, आप भूल गए होगे वरना, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे इसमें कितने न्यूक्लियेटेड है, एट न्यूक्लियेटेड है, हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो चलो हम इसके अंदर काउंट करते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। वन न्यूक्लियस, आज का टू न्यूक्लियस, थ्री न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए, यस सर। फोर न्यूक्लियस, फाइव न्यूक्लियस हो गया, सिक्स न्यूक्लियस, सेवन न्यूक्लियस और एट न्यूक्लियस। तो कितने न्यूक्लियस हैं यहाँ पर टोटल? एट। क्या हमने पहले कुछ ऐसे लिख रखा है कि एट न्यूक्लियेटेड कंडीशन है? यस सर। हो गई बात प्रूफ? यस सर। यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। चलो अब आगे आपको क्या लिखना है वो बता देते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कंफर्म करो है या नहीं? नो सर। नो सर। आपको यहाँ पे एग दिख रहा है? यस सर। डायग्राम में क्या आपको सिंथेटिक सेल दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको इतना दिख रहा है ना तो ये किसी को इंडिकेट कर रहा है एग अपार्टस को, ठीक है, एग अपार्टस, ठीक है, एग अपरेटस या फिर एग अपार्टस, जो भी आप बोलना चाहो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, एग अपरेटस या फिर एग अपरेटस क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई इतना सेक्शन जो है आपका क्या है? एग अपरेटस है। कंफ्यूजन तो नहीं कोई? नो सर। और आपको यहाँ पर डायग्राम में और क्या क्या चीजें याद रखनी है? So, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा यहाँ पर फिलीफॉर्म, क्या देखने मिलेगा? नाम याद है आपको? फिलीफॉर्म अपार्टस, क्या देखने मिलेगा? फिलीफॉर्म अपार्टस। फिलीफॉर्म अपार्टस। अगर हम बात करते हैं फिलीफॉर्म अपार्टस की, तो ये करता है, यह अट्रैक्ट करता है किसे? आपका जो पोलन ट्यूब आएगा, ठीक है, ये मतलब आप कह सकते हो जो पोलन ट्यूब आएगा वो पहले कहां पर मतलब आएगा, तो सबसे पहले वो सिनर्जिड में आएगा, ठीक है, सिनर्जिड में आएगा, तो सिनर्जिड में आएगा तो किसे क्रॉस करता हुआ आएगा? फिलीफॉर्म अपार्टस को क्रॉस करते हुए आएगा। बात क्लियर है? Yes, sir. छोटी मगर काम की बात है ना ये वाला। ये दो पॉइंट आपके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब एक काफी, मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या है काफी, तो ध्यान रखोगे, ठीक है, इन चीजों को कि कितने सेल है, कितने न्यूक्लियस।
तो मैं क्लियर कर दूं ये? यस सर। ठीक, तो अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका पॉलिनेशन। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी आपने बहुत पढ़ा होगा बचपन से, मेरा मतलब है आपने नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ इलेवेंथ में नहीं पढ़ा होगा, नहीं होगा उसमें पढ़ा रहे हो, तो मैं इतना मानता हूँ कि आपको पॉलिनेशन पता होना चाहिए। तो क्या होता है पॉलिनेशन आपको? क्यों मूवमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर है? स्टिग्मा से एंथर पर, मतलब स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन कहना चाह रहे हो? स्टिग्मा क्या उल्टा बोल रहे हो आप? आप कह रहे हो स्टिग्मा टू एंथर? ओहो, क्या होगा तुम्हारा? सुनो, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा। नोटबुक के पेजेस मत पलटो, मेरे को आवाज आ रही है, ठीक है, तो बता रहा हूँ समझो। पोलिन ग्रेन है, पोलिन ग्रेन किस में बनेगा? एंथर पे, एंथर के अंदर ही पोलिन ग्रेन बनते हैं ना? यस सर। ओके, सो एंथर में क्या बनते हैं? पोलिन ग्रेन। और क्या अगर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, सो फ्लावर में फीमेल वाले पार्ट के क्या बोल देते हैं? स्टिग्मा बोल देते हैं। यस सर। सो क्या पोलिन ग्रेन तो यहाँ पे पहुंचने चाहिए ना स्टिग्मा पर? देखो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, और आप क्या बोल रहे थे अभी? सर देखो, आप देखो, ऐसा होता है, ये जो है ना, ये जो होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा जो है सर पोलन ग्रेन को पास कर रही है एंथर को, आप बोल रहे थे ये, और ये के, और आप क्या बोल रहे थे? गलत बोल रहे थे। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो करेक्ट क्या होता है? पोलन ग्रेन जो है आपका वो एंथर से स्टिग्मा पर क्या होता है? पास होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो चलो मैं यहाँ लिख तो दिया है वैसे मैंने, तो आप इसे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? हमें टाइप ऑफ पोलिनेशन पढ़ना है यहाँ पर, मतलब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। हम यहाँ पर दो तरह के पोलिनेशन को पढ़ेंगे, एक होगा आपका पोलिनेशन, आपका क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ में हम पढ़ेंगे ऑटो गैमी के बारे में, हम पढ़ेंगे यहाँ पे डी टोनोगैमी के बारे में, ठीक है। और क्रॉस में हम लोग पढ़ेंगे जीनोगैमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? जीनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। क्या टेबल बनाया आपने? यस सर। हम यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट समझो, तो मैं यहाँ पे पहले आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट बना लेते हैं, क्या कुछ ऐसे ही होता है? यस। कैसा बना प्लांट? अच्छा है ना, बस ऐसे ही आप भी बना लें। और ये लगा दिया हमने इसमें एक फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर हमने लगा दिया यहाँ पर। अब सुनो, कहानी क्या है, कहानी समझना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक फ्लावर है हमारा, मान लो ये क्या है, हमारा फ्लावर है।
अगर पोलिनेशन इसी फ्लोवर के अंदर होता है या इसी फ्लोवर में होता है, सेम फ्लोवर में आपका क्या हो रहा है, पोलिनेशन। मतलब यहाँ पर सेम फ्लोवर कह रहा हूं तो मतलब इस फ्लोवर में आपका क्या रहा होगा, एंड आपका जो है यहाँ पर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, है ना। Yes, सेम फ्लोवर में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे, ओटोगैमी। क्या कह देंगे उसे, सेम फ्लोवर में हो रहा है तो मोनो ओटोगैमी, ठीक है। सेम फ्लोवर में अगर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, सो ऑटोगैमी। अभी यहाँ पे एक टर्म है जी, ओके, जी टोनोगैमी। अभी जी टोनोगैमी क्या होता है, देखो एक फ्लोवर ये है और एक फ्लोवर ये आपका ऊपर वाला मान लो, ठीक है। सो क्या ये डिफरेंट फ्लोवर है, क्या था, हाँ सर, हाँ ठीक है, ये डिफरेंट फ्लोवर है, लेकिन क्या सेम प्लांट में है। यस सर, डिफरेंट फ्लोवर इन सेम सेम प्लांट। तो अगर इन दोनों फ्लोवर्स के बीच में हाँ पोलिनेशन हो, ठीक है, इन दोनों फ्लोवर के बीच में अगर पोलिनेशन हो तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जी टोनोगैमी। सो जी टोनोगैमी किसके लिए हो गया, डिफरेंट फ्लोवर, सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लोवर इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट। ये डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यस सर, अब समझे बायो में डायग्राम की कितनी वेटेज यस सर, है। आधी बायो आपकी डायग्राम पे ही है, ठीक है। अगर आप रफ डायग्राम बनाना सीख गए तो आपकी आधी बायो तो बेसिक फिनिश हो जाती है, और बाकी बची हुई 20% के करीब तो आपकी ऐसे टर्मिनोलॉजी है कि आप वर्ड्स को ब्रेक कर लो तो आपकी हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक प्लांट और बना रहा हूँ, फ्लावर कैसे कलर का बनाया जाए, सर पिंक। ओके, येलो पिंक बन गया। अगर पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है, पोलिनेशन हो रहा है किस किस के बीच में, इस फ्लावर के बीच में, इस फ्लोवर के बीच में, क्योंकि ये दोनों फ्लोवर डिफरेंट यस सर, हैं। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ डिफरेंट फ्लोवर इन डिफरेंट प्लांट, यस इन डिफरेंट प्लांट। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, जीनोगेमी, क्रॉस पोलिन। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगेमी। यहाँ तक कंसेप्ट क्लैरिटी आ चुकी है आपको पूरी। सर, अब हमारे लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसके एग्जाम्पल याद करना। सो ऑटोगैमी का एग्जाम्पल लिखो, ऑटोगैमी क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल वीट हो गया, राइट, और यहाँ पर पी हो गया, ठीक है। पी को तो आप हाईलाइट कर लो क्योंकि पी से तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप जानते हो पूरा जेनेटिक्स उस पर बेस है, क्यों मानते हो या नहीं। मेंडल सर ने जितनी भी अपनी खोज करी थी उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, पी, यस ठीक है। अगर हम बात करते हैं जी टोनोगेमी के, सो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएगा कुकुरबीटा। अब मैंने आपको कुकुरबीटा बता रखा है, क्या होता है, क्या होता है कुकुरबीटा में, कौन आते हैं, क्यों आज तक कुकुरबीटा के अंदर क्या क्या आता है। सर, ट्राई होते हैं। मैंने कुकुरबीटा को क्या बताया था, कुकुरबीटा एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर आपके कौन से प्लांट आएंगे, जिनमें आप क्या देखने मिलेगी, बेल देखने मिलेगी। क्या आपको जैसे एग्जांपल हो गया खीरा हो गया आपका, तरबूज हो गया, तो इसमें आपको बेल देखने मिलती है ना, पंपकिन हो गया, ठीक है। सो ये सब किसके अंदर जाएंगे, जी टोनोगेमी के अंदर। फिर आपको क्रॉस में एक कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखने हैं, पपाया और मेज, ठीक है, पपाया और यहाँ पे आप मेज को याद रख सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। नो सर, देखो अब एक आप नोट करके पॉइंट डाल लेना, ठीक है। अगर ये
क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जी टोनोगैमी है, कौन सा है? जी टोनोगैमी। अब मैं आपको टोनो टोनो कह रहा हूं तो आपको कुछ यहाँ से कुछ सेल के बारे में याद आ रहा है? सेल में कुछ हमने ऐसे सब पढ़ा था, टोनोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट था। कौन सी ऑर्गेनली में टोनोप्लास्ट मिल रहा था? क्या सेल में कौन सी ऑर्गेनली में टोनोप्लास्ट मिल रहा था? याद है? नो सर, अरे उसमें नहीं मिल रहा था, बैक्टीरियल में। ओह यस सर, ओके, नहीं आपने रिवीजन नहीं करा उस चैप्टर का। देखो हम तो यहाँ पर पढ़ा देंगे, हमारा काम है, लेकिन रिवीजन करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देखो हम वो टीचर का रोल क्या होता है, टीचर आपके क्या करेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, कर सकता है या नहीं, ठीक है। लेकिन आपको करना ओके पड़ेगा ना, ये कम टीचर का थोड़ी ना होता, क्योंकि पेपर देना है आपको, जाना है एग्जाम, वहां पर आप लिखोगे, ठीक है। तो इसे आप मार्क कर लो एज अ इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जी टोनोगेमी की, सो ये जेनेटिकली क्या है, सेल पोलिनेशन है, लेकिन फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन है, तो आप ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडेप्टेशन फॉर सेल पोलिनेशन, ठीक है। लिख लो एडेप्टेशन सेल पोलिनेशन। ये कलर आपको इस स्क्रीन पर क्लियर दिखता है ना, ब्लू वाला? यस एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन, और आप क्या कह सकते हो, डिवाइसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन, डिवाइसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, ये दोनों ही टर्म्स आपको आने चाहिए, ऐसे तो मैंने टर्म नहीं कहूंगा, ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम आपको क्वेश्चन लिख के दे देता है डिवाइसेस फॉर सेल्फ पोलिनेशन और आपको ऑप्शन दे देता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे होमोगेमी। क्या पढ़ेंगे? होमोगेमी। सो होमोगेमी क्या होता है आपका? देखो होमो का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेम है ना, कुछ सेम से रिलेटेड है, और गैमेट यस सर, क्या हुआ, गैमेट। सो ये कंडीशन क्या बता रही है आपको, ये कंडीशन आपको बता रही है बोथ गैमेट्स, मतलब एंथर एंड, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लोवर, बाय सेक्सुअल फ्लोवर मैच्योर एट सेम टाइम, मैच्योर एट सेम टाइम। अब देखो एंथर है, स्टिग्मा है, बायोसेक्सुअल फ्लोवर में है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। सो क्या यहाँ पर आपका पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा? आया ना, क्यों आस्था? हाँ सर, देखो एंथर और स्टिग्मा एक फ्लोवर है बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल फ्लोवर का मतलब है कि जिसमें आपका एंथर भी और स्टिग्मा भी हो, यह दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे बिल्कुल, हैं, तो क्या यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है? हाँ सर, सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लिख लो आप, मिराबिलिस और आपका पोटैटो, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर बीट। सेकेंड है आपका क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। तो एक क्लिस्टोगैमी क्या है, देखो कुछ फ्लोवर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं आपके, क्लोज होते हैं, ठीक है। अगर कोई फ्लोवर है वो क्लोज है, तो क्या उसमें सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस हैं? यस सर, हाँ ठीक है। तो वो और उन फ्लोवर को हम लोग क्या कह देंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लोवर। सो आप लिखो सम फ्लोवर
डू नॉट, ओपन एट, ओपन एट मैच्योरिटी, ऑल्सो देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। सो क्लिस्टोगैमी में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि कोई फ्लावर है जो क्या हो रहा है मैच्योरिटी के समय में, मतलब जब एंथ्रो स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है तो उस समय भी क्या है, फ्लावर आपका ओपन नहीं हुआ है, फ्लावर क्लोज है। अब फ्लावर क्लोज है तो भैया वहां पर क्या हो जाएगी, सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सेलिस पी और आपका क्या हो जाएगा, बोइला। ये आपके तीन एग्जाम्पल यहां पर याद रखना। यहां तक लिख लिया? यस सर। ओके, क्या सेल्फ पोलिनेशन के कुछ एडवांटेज हैं? आपको लगता है कुछ एडवांटेज होने हैं या नहीं है सेल्फ पोलिनेशन के? क्या क्या एडवांटेज है? सब पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते। ओके, एंड लिखते जाते हैं नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। मैं पॉलन ग्रेन को पीजीवी लिख दूं शॉर्ट में? यस सर। यस ओके, और बताओ आज तो आप बताओ सर। और सर उन्हें किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करना होता? एक्सटर्नल फैक्टर पे इनके रिक्वायरमेंट नहीं है पोलिनेशन के लिए, ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नो एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड। ईशा आप बताओ कुछ। सर हम भी यही बोल रहे थे। सेकंड पॉइंट, ये आपके तरफ सब्जी बेचने वाला आ गया शायद। यस सर। किधर आया? हमारे इधर। यस सर। और अगर देखो एक एडवांटेज इसका क्या है, नो नीड टू बी अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्टिव एंड सेंट, मतलब और ऐसे कैसा है, मतलब सेंटेड ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, और ज्यादा बड़ा भी ना हो तो भी आपका, जैसे कोई रिक्वायरमेंट इनकी है नहीं। ठीक है, नो नीड लार्ज इन साइज। ठीक है, और इन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने की भी जरूरत नहीं है और इन्हें सेंटेड होने की भी जरूरत नहीं है। सो ऐसा क्यों, सो ऐसा क्यों, या फिर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे, जैसे आपका फ्लावर लार्ज होना चाहिए, आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, सेंसिटिव और कैसा होना चाहिए, सेंटेड होना चाहिए, तो ये सारी रिक्वायरमेंट किसके लिए रहेंगी, ये सारी चीजें किसके लिए रिक्वायरमेंट है? क्या ये आपका पोलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है इन सारी चीजों की? यस सर। ठीक है, और इसका एक एडवांटेज और है कि ये क्या करता है, मेंटेन प्यूरिटी ऑफ द स्पीशीज, मेंटेन प्यूरिटी ऑफ द स्पीशीज, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जैसे पहले थे अभी भी कैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे। अब भाई सीधी सी बात है, वेरिएशन कब आता है, जब आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर यहाँ पर तो क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको कोई वेरिएशन देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं डिसएडवांटेज। क्या ये आपको ब्लैक पेन दिख रहा है यहाँ पर सर? हाँ? वेरिएशन नहीं होगा सर, वेरिएशन नहीं होगा वो तो डिसएडवांटेज हुआ ना। देखो मैंने डिसएडवांटेज में ये बात भी लिखी है, हम लोग वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से क्या है, यहाँ पे प्योरिटी भी तो है स्पीशीज की, मतलब वहां पे कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसे एक आप वो भी देख सकते हो एडवांटेज की तरह। यस सर। मतलब वो जेनेटिकली देखो ना, एकदम अभी तक उसमें कोई मिलावट नहीं है। यस सर। ये बात लिख देंगे कि नो वेरिएशन। So, एक तीर से क्या कहावत सुनिए, एक तीर से दो शिकार, वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ आपको ब्लैक पेन दिख रहा है यहाँ पर? क्लियर? यस सर। चलो इसमें पहला पॉइंट डालो आप,
अब देखो इसमें क्या यूजफुल कैरेक्टर आएंगे नहीं, ठीक है, यूजफुल कैरेक्टर आर नॉट इंट्रोड्यूस, आर नॉट इंट्रोड्यूस, सही बात है या नहीं? अब भाई नई नए कैरेक्टर तो ही आएंगे ना, जब क्रॉस, जब आपको क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, वेरिएशन होगा। पीयूष, यस यहाँ पर जो आपकी आएंगी, ठीक है, क्रोज, आपकी ये सेल्फ पोलिनेशन से जो आगे चल के प्रोजेनी आएंगी, बे कैसी, बे प्रोजेनी आपकी कैसी रहेंगी, वीक प्रोजेनी रहेंगी, ठीक है, वीक प्रोजेनी। और साथ साथ आप देखोगे इसमें जो नई नई प्रोजेनी आ रही हैं उनमें क्या देखने मिलेगा, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है, मतलब डिजीज से रेजिस्टेंस कम ही रहेगा। और यहाँ पर नो वेरिएशन, देखो वेरिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा तो इवोल्यूशन होगा, जब वेरिएशन नो इंट्रोड्यूस सर, नहीं होगा ना, ठीक है, सो यहाँ पे इवोल्यूशन के उस पर देखा जाए तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो चलो अब यहाँ तक लिख लो और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलो इसी के साथ थैंक यू, क्लास को एंड कर देते हैं।